पूरे भारतवर्ष में हम गरीब लोग, हमारी जो आबादी है, आदिवासी लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, ओबीसी लोग हैं, ऐसी लोग हैं, हमको तो आजादी मिली नहीं है देश में। हमको आतंकवादी बना देते हैं, हमको नक्सलवादी बना देते हैं, हम कैसे बैठते हैं देखते हैं। भाई बसावा साहब को जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक मिशन के तहत लगाई है, उनके साथ हमें आज जुड़ने का मौका मिल रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है कि गुजरात के अंदर हम कदम रख रहे हैं तो एक ऐसे शख्स के साथ, एक ऐसी पार्टी के साथ जिन्होंने राजनीति कम की है, सेवा ज्यादा की है। और यही काम असदुद्दीन अवैसी साहब हैदराबाद के अंदर आप देखेंगे, उनका काम जो है AIMIM और BTP एक साथ में मिलकर आएंगे तो एक बहुत ताकतवर एक हमारा अलायंस रहेगा और अच्छे इश्यूज के ऊपर है, तो हम आगे के जितने भी चुनाव रहेंगे उस ताल्लुक से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हमारे फायदे का मतलब ये है कि जितने भी गुजरात के अंदर रहने वाले, चाहे वो आदिवासी समाज के हो, दलित समाज के हो, ओबीसी समाज के हो, मुसलमान हो, जिन लोगों को भी राजनीतिक तौर के ऊपर पीछे रखा गया है उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग साथ में मिलकर आ रहे हैं, क्योंकि छोटू भाई का भी लक्ष्य जो है वो यही है कि संविधान के हिसाब से देश चलना चाहिए, किसी की हुक्मशाही के हिसाब से देश नहीं चलना चाहिए। आज इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारे साथ जो BTP के प्रेसिडेंट है छोटू भाई वसावा साहब, वो उनकी पूरी जो कम्युनिटी वो अपने साथ पतंग देखेगी। दूसरी जाति धर्म मजहब के जितने भी लोग थे वो लोग बिल्कुल ना समझे कि MIM पार्टी है, ये हमको टिकट देगी क्या, हम इनके पार्टी के ऊपर से अगर वो आएंगे तो बिल्कुल सर आंखों पर उनको भी बिठाया जाएगा और उनको भी साथ में लेकर। तो पिछले 70 सालों से ये म्यूजिकल चेयर के अंदर है तो दो ही खिलाड़ी थे, एक बार भाजपा बैठ जाती थी जाके एक बार कांग्रेस जाके बैठ जाती थी, दूसरे को धक्का मार के है तो निकाल देते थे। तीसरा हमको, अब हमको इतना तजुर्बा आ गया है कि अब हम दोनों हाथ से धक्का देके कुर्सी पे कैसा बैठा जाता है ये हमको समझ में आता है। हम आए हैं डटकर लड़ेंगे, डटकर भिड़ेंगे और यकीनन उन लोगों की हमारा, अगर हम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ताकत बनकर खड़े रहते हैं तो मैं आपको अपना खुद का उदाहरण देता हूँ कि 20 साल के शिवसेना के एक MP को हराकर अगर मैं जीता हूँ तो वहां की एक अल्हम्दुलिल्लाह वो ताकत थी कि जिसकी वजह से हमने लोगों से यही कहा था कि जीतो या हारो इसका फैसला जो भी है वो अपने रब पर छोड़ेंगे, हम एक ताकत बनकर खड़े रहेंगे। जी जी नहीं, 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 अभी छोड़ के जाते नहीं आपको अभी। राहुल, प्रिया, खाना रेडी है बेटा, आप भी आ जाइए। प्रिया, खाना ठंडा हो रहा है, कम से कम आप तो आ जाइए। स्वीटी, आई एम बिजी, मुझे भूख नहीं है। अब लाएगा मजा 9 to 1। सुबह को कुछ जायके भुलाए नहीं जाते, असली जायका, असली स्वाद। 9 to 1 बासमती राइस, द फ्लेवर ऑफ इंडिया। श्री राजेश्वर ट्रेडिंग कंपनी, गांधीगंज, बीदर।